नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। चुनाव में किसकी नैया पार लगेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन चुनाव में कुछ दिन पहले ही टाइम्स नाउ का एक बड़ा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं किस राज्य में किस पार्टी को मिल रही कितनी सीटें। दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से भारतीय राजनीति को लेकर एक बात कही जाती है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, और यह बड़ी हकीकत भी है। लोकसभा चुनाव में लोग सीटों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी सियासत में जिस पार्टी का झंडा बुलंद होता है उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। उत्तर प्रदेश की में इस बार बीजेपी और इंडिया की हालत बहुत ख़राब है। उत्तर प्रदेश की कुल सीटें हैं 80, जिसमें से एनडीए को मिल रही 27 सीट, एसपी और बीएसपी को गठबंधन के साथ मिल रही 51 सीटें और यूपीए को मिल रही मात्र 2 सीट। वहीं बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में टोटल सीटें हैं 39, जिसमें से यूपीए को मिल रही 35 सीटें, AIMDMK को मिल रही 4 सीटें, एनडीए का यहां खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। केरला की बात करते हैं तो केरला में टोटल सीटें हैं 20, जिसमें से यूपीए को मिल रही है 16 सीटें, लेफ्ट में है 3 सीटें और एनडीए को मिल रही मात्र 1 सीट। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें हैं 25, जिसमें से YSRCP को मिल रही 23 सीटें और TD को मिल रही मात्र 2 सीटें। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कुल सीटें हैं 17, जिसमें से TRS को मिल रही 10 सीटें, UPA को मिल रही 5 सीट और NDA को मिल रही मात्र 1 सीट। वहीं अन्य में भी 1 सीट जा रही है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में है कुल सीटें 28, जिसमें CUPO को मिल रही 14 सीटें और NDA को भी 14 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ एक ही सीट है और वो भी UPA के खाते में जा रही है। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ भी कुल सीट एक ही है और ये भी NDA के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में टोटल सीटें हैं 42, जिसमें से TMC को मिल रही 32 सीटें और NDA को 9 सीट तथा UPA को मात्र 1 सीट मिल रही है। देखते हैं बिहार का क्या है हाल, तो बिहार में हैं कुल सीटें 40, जिसमें से NDA को मिल रही 25 सीटें और UPA को मिल रही मात्र 15 सीटें। झारखंड की बात करें तो यहाँ कुल सीटें हैं 14, जिसमें से UPO को 8 सीट मिल रही है और NDA को 6 सीटें मिल रही हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की टोटल सीटें हैं 21, जिसमें से NDA को 13 सीटें और BJP को मिल रही है 8 सीट, सॉरी BJD को मिल रही है 8 सीट। जिसमें से असम की बात करें तो असम की टोटल सीटें हैं 14, जिसमें से NDA को मिल रही है 8 सीट, UPO को मिल रही है 3 सीट और AIUDF को मिल रही 2 सीटें, अन्य के खाते में जा रही 1 सीट। वहीं बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल सीटें हैं 11, जिसमें NDA को 9 सीटें मिल रही हैं, UPO को मात्र 1 सीट मिल रही है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की टोटल सीटें हैं 48, जिसमें से NDA को मिल रही 43 सीटें, UPO को मिल रही 5 सीटें। बात करें गुजरात की, गुजरात में है 26 सीटें, जिसमें से NDA को 24 सीटें मिल रही हैं और UPO को मिल रही 2 सीटें। बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में टोटल सीटें हैं 2 और UPA के खाते में 1 सीट जा रही है और एक ही सीट जा रही है NDA के खाते में। बात करते हैं दमन और दीव की, तो दमन दीव में टोटल 1 सीट है, वो भी NDA के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं दादर नगर हवेली की, तो दादर और नगर हवेली में NDA के खाते में 1 सीट जा रही है, वो भी एक ही सीट है और एक ही सीट NDA के खाते में जाती हुई दिख रही है। बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में टोटल 5 सीटें हैं, वो भी NDA के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 29 सीटें में से NDA को दे जा रही हैं 23 सीटें और UPA के खाते में मात्र 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में है टोटल 25 सीटें, जिसमें से NDA के खाते में जा रही 17 सीटें और UPA के खाते में जा रही 8 सीटें। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, जिसमें से NDA को 5 सीट मिल रही, UPA को मिल रही हैं 6 सीटें। बात करते हैं ऑल ओवर इंडिया की, तो ऑल ओवर इंडिया में देश की 543 सीटें, जिसमें से NDA को 252 सीटें मिल रही हैं और UPO को मिल रही है 147 सीटें। वहीं अन्य के खाते में 144 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, आपके मुताबिक किस पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, NDA, UPA या किसी और की? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी न्यूज़ पाने के लिए न्यूज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।